हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में स्वैपिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें हम चार मेथड देखेंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, और दोनों में वैल्यू असाइन किए हैं। ए में असाइन किए 5 और बी में किए 6। पहले मैं इनको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो ए में हमें वैल्यू है 5, बी में हमारे पास वैल्यू है 6। हमारा टास्क है ए में वैल्यू हमको 6 लानी है और बी में वैल्यू हमको 5 लानी है, यानी कि नंबर को स्वैप करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे थर्ड वेरिएबल का, यानी कि स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। लेट्स से थर्ड वेरिएबल इज सी, और सी में मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ ए की। ओके, जो ए में वैल्यू होगी वो सी में आ जाएगी हमारे पास। नाउ अब मैं ए में क्या करूँगा, वैल्यू असाइन कर दूंगा बी की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब ए में हमारे पास वैल्यू आ गई है बी की। ठीक है, देखिए मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ए में तो वैल्यू हमारे पास आ गई 6, पहले क्या थी 5, अब हमारे पास आ गई 6। अब हमको बी में 5 की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो बी में 5 की वैल्यू कैसे लाया जाए, हमने सी में पहले ही ए की वैल्यू साइन कर दिया और इस टाइम पे ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, यानी कि सी की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, देखिए मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, बी में बी की जगह सी लिखता हूँ और सी को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर अभी 0 कर देता हूँ मैं इसको, नहीं तो एरर देगा बी की वैल्यू। देखिए अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू 5 मिली, यानी कि सी में क्या साइन हुआ हमारे पास ए, और ए पर यहाँ पर वैल्यू क्या थी, ए में 5 थी, यानी कि सी की वैल्यू 5 है। तो मुझे बी की अगर वैल्यू लानी है 5, तो उसमें मैं सी असाइन कर दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सी में पहले ए की वैल्यू असाइन कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 असाइन हो गया मुझसे सी में। अब ए में मैंने वैल्यू असाइन कर दी बी की, बी की वैल्यू 6, यानी ए में 6 असाइन हो गया। अब उस बी में मैंने क्या कर दिया, सी को असाइन कर दिया, सी की वैल्यू 5 थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बी को प्रिंट कराऊँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट में मिलेगा, लेट मी रन दिस कोड, आप देख सकते हैं ए बराबर हमें 6 मिला और बी बराबर 5, यानी कि जो हमारी वैल्यू थी पहले ए बराबर 5 थी वो ए बराबर 6 हो गई, जो पहले बी बराबर 6 थी वो बी बराबर 5, यानी वैल्यू हो गई स्वैप। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं, पहले हम दोनों को प्लस करते हैं और असाइन कर देते हैं ए में। ठीक है, अभी मैं आपको लॉजिक लिख देता हूं, फिर बाद में इसको समझाऊंगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, उसके बाद अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कोड को। यू कैन सी, जो पहले हमारे पास ए की वैल्यू 5 थी, अब हमें ए की वैल्यू 6 मिल ली है, जो पहले हमारे पास बी की वैल्यू 6 थी, अब बी की वैल्यू 5 मिल ली है। अब यहाँ लेकिन हुआ क्या, देखिए जब मैंने यहाँ पे कहा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 11 हो गई यहाँ पर, तो 11 असाइन हो गया हमारे पास ए में, तो ए की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या हुआ हमारे पास, अब ए की वैल्यू क्या हमारे पास 11 है इस टाइम पे, उसमें से हमने माइनस किया बी को, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलकर आएगी बी की, ऑब्वियसली 5 मिलेगी, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। ठीक है, अब इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या हुआ, अगर हम यहाँ देखें ए की वैल्यू कितनी है, अभी भी हमारे पास 11 है, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 5 है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले एक्सप्रेशन से बी की वैल्यू 5 हो गई है, तो यहाँ पर अब 11 में से 5 हमारा माइनस होगा, तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6, यानी कि ये 6 किस में साइन हो गया हमारे पास ए में, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6, इसलिए हमको ए में 6 मिला, यहाँ पर बी में 5 मिला। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपको मैजिक दिखाता हूँ, एक कूल थिंग दिखाता हूँ मैं आपको पाइथन की। ठीक है, एक मैं फंक्शन लिखता हूँ गैप स्वैपिंग का, जिसमें ए कॉमा बी हम आर्गुमेंट देते हैं और रिटर्न कर देते हैं बी कॉमा ए। इट्स सिंपल, हमको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अब इस ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम कॉल करा लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कॉल कराएंगे, ए कॉमा बी इक्वल्स टू स्वैप ए कॉमा बी। देखिए अब मैं इसको रन करता हूं, यू कैन सी, जो हमारे पास ए की वैल्यू 5 थी, अब हमें ए की वैल्यू 6 मिलती है, जो हमारे पास बी की वैल्यू 6 थी, हमें बी की वैल्यू 5 मिलती है। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए हमने क्या किया, स्वैप वाला जो फंक्शन का कॉल कराया, उसमें हमने ए कोमा बी की वैल्यू भेजी, उस फंक्शन में क्या लॉजिक किया, हमने रिटर्न करा दी बी कोमा ए,
तो जो 5.6 जाएगी वो रिटर्न कैसे होगी, 6.5। तो यहां पर वैल्यू क्या रिटर्न हुई हमारे पास, 6.5। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है पाइथन में इन दोनों वैल्यू को लेता है वो, ठीक है, अब सीधे क्या करता है असाइन कर देता है हमारे पास a, b में। पहले इधर का पार्ट हमारा कैलकुलेट होता है, उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट कैलकुलेट होता है। तो पहले क्या किया इसने 6.5 लिया, इसने क्या देखा इधर a, b है तो a में 6 की वैल्यू असाइन, a में 6 असाइन कर दिया और b में 5 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन का यूज किया। अब तब ये जब एक ही लाइन में कर रहा है, पहले जो राइट वाला पार्ट है उसको लेके लेफ्ट वाले पार्ट में सीधा असाइन कर दे रहा है, तो क्यों ना हम एक चीज करें यहां पर, इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन हम सीधा यहां पर ही कर सकते हैं b, a। तो बताइए अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो कुछ एरर आएगी या फिर हमको आउटपुट में हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा। देखिए मैं इसको रन करके देख लेता हूं, यू कैन सी वी आर गेटिंग आवर टारगेटेड आउटपुट, यानी हमें ए में 6 चाहिए था वो हमको मिल गया, बी में 5 चाहिए था वो हमको मिल गया। तो ये हमारी कूल थिंग पाइथन की, हम एक ही लाइन में स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले जो राइट वाला पार्ट था उसको कैलकुलेट किया, इसने देखा बी की वैल्यू क्या है 5 है, हाँ कॉमा ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है कॉमा ए की वैल्यू कितनी है 5 है। तो इसने क्या देखा अपने राइट साइड में 6.5, अब इसने ये वैल्यू उठाई, अब लेफ्ट वाले पार्ट में देखा इसने a, b है तो a में हमने 6 असाइन कर दिया और b में 5 असाइन कर दिया। जब इसको प्रिंट कराया तो हमें स्वैप वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्वैपिंग की ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।